हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 और चैप्टर नंबर है 4, टॉपिक नंबर है 4.8, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन। कि हमें यहाँ पर जो मोशन की स्टडी करनी है, उस मोशन में अभी एक्सलरेशन जो आपका रहने वाला है और रहने वाला है कॉन्स्टेंट वाला। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चा लोग, हम थोड़ा जो है चेक कर लेते कि लास्ट हमने क्या सीखा था। तो लास्ट हमने सीखा था 4.7 है ना, 4.7 में हमने सीखा था पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। इन चारों क्वांटिटी को बच्चा लोग हम जो है इंडिविजुअल एक्स और पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ हमने सीखी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन। ठीक है, तो देखो आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, आप स्ट्रेट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो आप पढ़े थे, है ना, ठीक है, उसी के बारे में चीज़ पढ़नी है, कुछ नया खास है नहीं इसमें। तो देखो, पहली चीज़ दो आ गया है तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। जब भी कांस्टेंट एक्सलरेशन हो, क्या हो, जब भी कांस्टेंट एक्सलरेशन हो तो मोशन जो होगी पार्टिकल की, उसमें कुछ इस तरह कुछ दो तरह के शेप बनेंगे। पहला शेप होगा उसका स्ट्रेट लाइन, उसका पाथ, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर होगा पैराबोला और होगा आपका सर्कल। ठीक है, नहीं आया समझ में, देखो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। जब कांस्टेंट एक्सलरेशन की बात हो बेटा, तो दो तरह के उसके जो पार्टिकल के पाथ बनने वाले हैं ना, पाथ, पाथ ऑफ पार्टिकल, अगर लिखो पाथ ऑफ पार्टिकल, तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो बनने वाला है उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। पहला तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, एंड दूसरा जो बनेगा बेटा वो अपना बनेगा पैराबोला या सर्कल। अब कैसे आ और समझ इसको, देख कैसे क्या है, देख ले। मान लो ये अपना हो गया कोई पार्टिकल, इसका एक्सलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये भाई साहब जो ऐसे ही मूव करेगा, क्या ना, ये ऐसे ही मूव करने वाला है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी इस दिशा में है और इसका एक्सलरेशन भी इस दिशा में है, तो ये मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। बोलो आया क्या समझ में, अरे नक्को आया। तो है ना, ये पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ये हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया देखो, पार्टिकल ने मैंने फेंका यूज इक्वल टू जीरो इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो पार्टिकल गया वर्टिकल, ले लो टपक टपक गया ऊपर, फिर से नीचे आएगा उसी लाइन पे, नीचे, बिल्कुल नीचे, है ना। बुराई क्या बात समझ में, तो ये क्या बना, ये बना स्ट्रेट लाइन, अरे ये क्या बना स्ट्रेट लाइन। अब देखोगे पार्टिकल को, पार्टिकल ऐसे है ना, पार्टिकल आप देखोगे अपने मूव करा यू से ऐसे ना, थीटा पे फेंका, तो देखोगे ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे नीचे हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड जी लगता है ना, डाउनवर्ड, तो देखो ये भी क्या है, कांस्टेंट एक्सलरेशन, लेकिन ये क्या बना पैराबोला, अरे क्या बना ये पैराबोला, और मैंने सर्कल क्यों बोला है, तो सर्कल वाली चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा सर्कुलर मोशन में, है ना। उसमें भी क्या होता है बेटा, जब कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो हमेशा एक एक्सलरेशन लगता है टूवर्ड सेंटर, से बोलते वी स्क्वायर बाय आर, क्या बोलते हैं इसको, वी स्क्वायर बाय, से बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, इसे बोलते हैं वी स्क्वायर बाय, जो टूवर्ड ऑलवेज सेंट्रल होता है, सेंटर के सेंटर, टूवर्ड सेंटर लगता है ना। तो इसलिए यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, और ये एमसीक्यू में आ भी सकता है कि नीचे दिए गए पाथ में से कौन सा पाथ जो है कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन से नहीं बनेगा, है ना। तो ऑप्शन होगा नन ऑफ सी, नन ऑफ ऑल अबव, नन ऑफ, है ना। तो सिंपल चीज है, कुछ है नहीं बस इतना बड़ा। अब लिख लो, अब आपकी बुक में जो बात करिए, बुक वाली भाषा आप बोलना शुरू करता हूँ मैं, है ना। थोड़ा ये जो था अच्छा है, सवाल बन सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देख लियो ध्यान से कि यहाँ पे जो है कुछ नया करा नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक नया पेज लेता हूँ मैं, तो कर लेते इसको जूम, इसको कर लेते गायब। मान रही मेरी हो गई रेफरेंस पे 0-0, बिल्कुल आसान है। और ये एनसीईआरटी वाले जो है ना, ये घुमा फिरा के बहुत बातें करते हैं, बहुत घुमा फिरा के बातें करते हैं। मान लो यहाँ से जो पार्टिकल यहाँ पे था, है ना, ये मान लो अंतर, मान लो इनिशियली एक्स दिशा में एक्स नॉट है,
और आपकी रेफरेंस फ्रेम कौन सी है, अब यहाँ से पार्टिकल जो यू से शुरू कर रहा है ना, यू से शुरू कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन मान लो ए है, ठीक है, ए एक्स, ठीक है ना, तो उसने टी टाइम पे कितना डिस्टेंस काटा होगा, तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना, ये यू एक्स लिखो, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक्स में अगर हमें एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है बेटा हमें लेना पड़ेगा उस डायरेक्शन का, है ना, बोलो आ रही बात समझ में, तो उसी डायरेक्शन का हमें क्या लेना पड़ेगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये हो गई चीज़, बोलो क्लियर हुई क्या चीज़, नको क्लियर हुई, बिल्कुल ही आसान है। अब देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले एक्स जो मिला ना, एक्स ये एक्स यहाँ से होगा, अब आपकी रेफरेंस फ्रेम तो ये है ना, आपकी आपने तो इसके अकॉर्डिंग गिना हुआ है, तो एक्स में ये जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली है उसको अब ऐड कर लो, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये तो बात हो गई आपकी बुक वाली इक्वेशन, है ना, तो डरियो मत, कोई चीज़ खास चीज़ नहीं है, आपने जो सीखा है यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर वाला सीखा है, तो बुक में ये कहाँ से टपक गया, तो टेंशन ना लियो, उसमें रेफरेंस फ्रेम अगर मान लो चेंज करते हो, अगर मान लो रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हो ना बेटा, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, है ना, तो वैसे अगर मान लो मैं वाई की इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे, है ना, ये देख लो यहाँ पे कुछ ऐसे, तो ये मेरा हो गया जीरो जीरो, ये देख लो यहाँ पे यू वाई और एक्सेलरेशन ए वाई, ठीक है, मान लो यहाँ से पार्टिकल अपना यू वाई से जा रहा है, इसको करते थे मैं इरेज, पार्टिकल अपना गया और मान लो ये इनिशियल डिस्टेंस वाई नॉट है, ये यू वाई ए वाई, ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा बेल बेटा, बेटा बोलो यहाँ से कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा यू टी यू वाई, है ना, यू वाई टी प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वायर, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिला ये तो यहाँ से मिला, लेकिन हमारी रेफरेंस फ्रेम कौन सी है, जीरो जीरो वाली, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वाई नॉट क्या कर लो, जो एक्स्ट्रा है ना ये वाई नॉट उसको ऐड कर लो और जो इक्वेशन को ख़त्म करो, प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये हो गई कहानी, छोटी मोटी कहानी है, ठीक है, बेइज्जती वाली बात हो गई, सवाल में कुछ था नहीं, टॉपिक में कुछ है नहीं, बेइज्जती हो गई, तो यहाँ से हम बेटा क्या सीखे, यहाँ से हम क्या सीखे पता है, यहाँ से जो है ना हम ये जो पार्टिकल की इंडिविजुअल मोशन जो है, पार्टिकल की इंडिविजुअल मोशन हुई ना वो हम सीखे यहाँ पर, अगर मान लो मुझे यहाँ पे इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी टी टाइम पे, तो क्या लिखोगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन हाफ, अरे ये तो हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो यहाँ से आप देखोगे ये, अरे पेन आ जाए भाई, ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी स्क्वायर, है ना, अब दूसरी इक्वेशन एक और लगानी है, तो वी स्क्वायर वाई माइनस यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू ए वाई इंटू वाई लगानी आनी चाहिए, ये बात करेगी सिर्फ सिर्फ y की और ये बात करेगी सिर्फ सिर्फ x की, तो जैसी मैंने इसमें लिखी है वैसे इक्वेशन क्या तुम लोग इसमें लिख सकते हो, देखो तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी स्क्वायर एक्स माइनस यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स, हो गए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एज वेल एक्सेलरेशन इन पर्टिकुलर एक्स और वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये है आपका टॉपिक, कुछ है नहीं, लल्लू टॉपिक है, बेइज्जत की हो गई अपनी, बिल्कुल आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं वैसे बच्चा लोग, तो संभाल लियो अच्छे से, वैसे इसकी गंदी वाली प्रैक्टिस तो हम करने ही वाले हैं, तो टेंशन ना लियो, 10 मिनट का टॉपिक है, और जैसा कि को पता है वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और करना है सब्सक्राइब, और तीन बच्चों को मार दोगे शेयर फटाक से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं, टाटा बाय बाय।